नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोधपुर रेलवेज यूट्यूब चैनल पर। जोधपुर फुलेरा डबलिंग को आगे बढ़ाते हुए फुलेरा डेगाना सेक्शन में फुलेरा से गोविंदी मारवाड़ रेलवे स्टेशन तक पैच डबलिंग वर्क किया जाएगा और फुलेरा रेलवे स्टेशन के यार्ड का रीमॉडलिंग वर्क भी होगा। तो उसके लिए ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, कुछ पार्शली कैंसिल है और बहुतों के रूट बदले गए हैं। इस वीडियो में सारी ट्रेनों की लिस्ट के साथ साथ जोधपुर से गुजरने वाली और जोधपुर की ट्रेनों की बात करने वाला हूं। तो यदि आप अक्टूबर एंडिंग और नवंबर स्टार्टिंग में कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। तो ये है उन ट्रेनों की लिस्ट जो कि पूरी तरीके से कैंसल्ड है। आप वीडियो को हाई क्वालिटी में कर देख सकते हैं, सब कुछ क्लियर नजर आएगा। तो इसमें सबसे पहले आती है भगत की कोठी से इंदौर तक चलने वाली रणथंभौर सुपरफास्ट और जोधपुर से इंदौर तक चलने वाली एक्सप्रेस आया अजमेर। यह दोनों ही ट्रेनें 2 और 3 नवम्बर को पूरी तरीके से कैंसल रहेगी। इसके बाद जोधपुर से वाराणसी सिटी तक संचालित होने वाली मरुधर एक्सप्रेस पूरी तरीके से रद्द रहेगी 29 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच में। इसके बाद जयपुर जोधपुर सेक्शन की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेन हाईकोर्ट एक्सप्रेस, जिसे इंटरसिटी के नाम से भी जाना जाता है, यह ट्रेन 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रद्द रहेगी। और जोधपुर की आखिरी ट्रेन जो कि पूरी तरीके से रद्द है, यह है जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस, जो कि 17 अक्टूबर से 4 नवंबर तक पूरी तरीके से कैंसिल है। तो अब आप ये जो लिस्ट देख रहे हैं, यह है पार्शियली कैंसल्ड लिस्ट की, यानी कि ट्रेन को पूरी तरीके से कैंसिल नहीं किया गया है, किसी दो स्टेशनों के बीच में यह कैंसिल है, इसमें जोधपुर रिलेटेड कोई भी ट्रेन नहीं है। तो अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जो कि डाइवर्टेड रूट से संचालित होगी। तो इनमें सबसे पहले आती है बांद्रा टर्मिनस श्री गंगानगर अरावली एक्सप्रेस, जो कि अपने निर्धारित रूट मारवाड़ जंक्शन जयपुर चुरू सादलपुर की बजाय मारवाड़ जंक्शन जोधपुर डेगाना सादलपुर के रास्ते संचालित होगी 2 नवम्बर को। इसी प्रकार 2 नवंबर को ही बांद्रा टर्मिनस चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपने निर्धारित रूट मारवाड़ जंक्शन अजमेर फुलेरा रिंगस रेवाड़ी की बजाय मारवाड़ जंक्शन जोधपुर डेगाना रेवाड़ी के रास्ते संचालित होगी। और जोधपुर वाराणसी सिटी मरुधर एक्सप्रेस, जो कि अपने निर्धारित रूट जोधपुर मेड़ता फुलेरा की बजाय जोधपुर मारवाड़ जंक्शन अजमेर फुलेरा के रास्ते चलेगी 18 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक। तो अब बात करते हैं उन ट्रेन्स की जिसका निर्धारित रूट है रेवाड़ी जयपुर फुलेरा डेगाना, लेकिन वे अपने परिवर्तित रूट रेवाड़ी रतनगढ़ डेगाना के रास्ते संचालित होगी। इसमें सबसे पहले आती है दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर राजस्थान संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो कि 1 और 2 नवंबर को अपने परिवर्तित मार्ग से चलेगी। फिर आती है बाड़मेर जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो कि 1 नवंबर को इस परिवर्तित रूट से चलेगी। और जैसलमेर जम्मू तवी एक्सप्रेस 24 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में परिवर्तित रूट से संचालित होगी। फिर आती है आखिरी ट्रेन इस रूट से डाइवर्ट होने वाली जैसलमेर काठगोदाम रानीखेत एक्सप्रेस और जैसलमेर रामनगर कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस। दोनों ही ट्रेनें साथ में चलती हैं और 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। तो अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जिनका निर्धारित रूट है जयपुर फुलेरा डेगाना जोधपुर, लेकिन वह अपने परिवर्तित मार्ग जोधपुर रिंगस सीकर चुरू डेगाना होकर संचालित होगी। इसमें आती है विशाखापट्टनम भगत की कोठी एक्सप्रेस, जो कि 2 नवंबर को इस रूट से आएगी। और फिर आती है पूरी जोधपुर सुपरफास्ट, जो कि 1 नवंबर को इस परिवर्तित रूट से आएगी। उसके बाद आती है भगत की कोठी बिलासपुर और बिलासपुर भगत की कोठी एक्सप्रेस, जो कि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक, यानी इसके 2 ट्रिप्स परिवर्तित मार्ग से संचालित होंगे। और लास्ट ट्रेन आती है मन्नारगुड़ी भगत की कोठी वीकली सुपरफास्ट, जो कि 19 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इस रूट से संचालित होगी। तो दोस्तों, ये देखिए सारी ट्रेनों की लिस्ट जो कि डाइवर्टेड है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं यदि आप इंटरेस्टेड है तो, और वीडियो को हाई क्वालिटी में जरूर से देखिएगा क्लियर व्यू के लिए। बाकी तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी और शायद आपको हेल्प भी करेगी यदि आप इस दौरान यात्रा कर रहे हैं। तो वीडियो के बारे में राय जरूर से दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स और इंटरेस्टिंग ट्रेन वीडियोज को देखने के लिए। धन्यवाद।